थिंक जितना हम लास्ट टाइम हमने जो पढ़ाया था, आई होप आप लोगों को उतना क्लियर हुआ होगा, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, ये देखिए चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ 1.2, 4.y, x.6 एंड 3.5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y. ये देखिए बेटा, तो इसको हम लोग बनाएंगे, चार वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की, ऑर्डर में लेना है इनको और x और y फाइंड आउट करना है. तो एक चाहे तो हम छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हुआ था और साथ में हमने एरिया का एक फॉर्मूला बताया था, उस पर भी हम क्वेश्चन बताएंगे. लेकिन पहले आपको हम एक ऑर्डर बता दे रहे हैं, ए बी सी डी, कोई पैरेललोग्राम है आपके पास, ए बी सी डी आप देख सकते हैं, ए बी सी डी. ए हमने ले लिया है 1.2, उन्होंने कहा है सीरियल वाइज लेना है. बी इज़ 4.y, आप अपनी बुक में देख सकते हैं. और सी हमने x.6 ले लिया एंड डी इज 3.5 ले लिया है चिल्ड्रेन. ओके, तो अब हम लोग क्या है देखेंगे. ये देखिए, इसके डायगोनल हमने ड्रॉ किया. जब ये डायगोनल ड्रॉ किया चिल्ड्रेन, ये वाला और ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया, तो आप ये देख सकते हैं ये मिड पॉइंट होता है. तो आप ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं इनसे. मिड पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 से आप ये निकाल सकते हैं. सेम है इसका भी निकाल सकते हैं, और उन दोनों का सेम पॉइंट है तो उन दोनों का आपस में क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया. तो ना ही लिखते हैं, वी नो दैट द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम bisect each other, so the coordinates of the midpoint of the diagonal AC जो है इनका, जो AC का diagonal है और जो is equal है coordinates of the diagonal of the midpoint of the diagonal BD, इन दोनों के जो diagonals हैं वो equal हैं. that means AC के लिए जब लिखेंगे, देखेंगे 1 plus x divided by 2, and ऐसे लिखेंगे 1 plus x divided by 2 comma 2 plus 6 divided by 2 इज इक्वल्स टू चिल्ड्रेन, लिखेंगे हम लोग 4 plus 3 divided by 2 कॉमा y plus 5 क्लियर चिल्ड्रेन, डिवाइड बाय 2. तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं एक, ये दिस इज 4, y. तो हमारा हो गया x प्लस 1 plus x divided by 2 कॉमा 2 plus 3 6 divided by 2 इजिकल्स दिस. तो ये बन जाएगा 1 plus x divided by 2 कॉमा, इसे करेंगे तो 8 divided by 2, और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 divided by 2 और कॉमा y plus 5 divided by 2. तो इसको इसके इक्वल कर देंगे, यानी कि 1 plus x divided by 2 इज इक्वल टू 7/2. 2 कैंसिल, 1 plus x इज इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. क्लियर. अब सेम एज हमने ये किया, a/8/2 = y + 5/2, ये 2 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स y = 8 - 5, y = 3 मिल गया. इज दैट क्लियर, द बोथ आर देयर योर आंसर. क्लियर चिल्ड्रेन, आई होप इतना आपको क्लियर है. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द, आप लोग देख सकते, सभी के पास बुक है, अपनी बुक निकाल लीजिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल हूज सेंटर इज दिस एंड द बी इज 1.4. देखिए इसका एक सर्किल बनाएंगे, इसका भी हम डायग्राम बना रहे हैं. एक सर्कल बनाते हैं चिल्ड्रेन, हम जानते हैं कुछ बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड. लेकिन कुछ हमारे बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि वो लोगों को ये करना है. ओके चिल्ड्रेन, दिस इज सेंटर हमने ले लिया है. सेंटर को, इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया है. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. क्लियर चिल्ड्रेन, तो ओ पॉइंट ले लिया हमने. अब ए पॉइंट जो है मान लिया हमने x, y है, हमको नहीं पता. और बी पॉइंट आपको दे रहा है 1.4, और सेंटर जो है वो मिल रहा है 2, -3. इज दैट क्लियर. तो अब आपको क्या कह रहा है कि जो सी सेंटर है इसका, तो हमने सी को उन्होंने नहीं लिखा था मतलब, तो हमने यहाँ पे ओ को मान लिया. ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है. और इसके बाद चिल्ड्रेन हमने क्या कर दिया है कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओ जो है इज़ द मिड पॉइंट है ए बी का,
जो हम जानते हैं बहुत बच्चों ने करके रखा हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार वो चेक करें, ठीक है। हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हुई हो। ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ जो मिड पॉइंट है चिल्ड्रेन, तो टू इसका है वैल्यू 2, -3 इज इक्वल्स टू है ये, तो एक्स प्लस 1/2, राइट, एक्स प्लस 1/2 कॉमा वाई प्लस 4/2, समझ रहे ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है। तो उसको इसके इक्वल किया, 2 = x + 1/2, यानी x = 4 - 1, यानी x = क्या मिल गया, 3। सिमिलरली आपने y के लिए किया, y + 4/2 = -3, y + 4 = -6, y = -10। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आपके बोथ बोथ आता आंसर्स। ओके, दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर दिस, तो कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट्स, कैसे लिख देंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेंस। चिल्ड्रेन देख हम क्या लिखवा रहे थे, देखिए ये लिखा हुआ था कि हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर 3, -10, जिसका आप आंसर करके यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर देंगे। ओके, तो नाउ अब क्या है एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको पढ़ा रहे, देखिए, If A and B are -2, -2, and B is 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. P जो है AB segment, line segment में add हो रहा है, देखिए AP और PB है ये, तो AP की वैल्यू 3 है, ये इसकी वैल्यू 7। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ AP इज इक्वल 3/4 AB, तो 3/4 AB पूरे का वो 3/4 है, तो 3/7 आई, थ्री पूरे का 3/7 है, तो दैट मीन्स कि ये 4 होगा तभी ये पूरे का 3/7 है, तो 7 में से 3 माइनस के 4 मिल गया, यानी कि AP और जो PB का रेशियो है, AP और जो चिल्ड्रन PB का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3/4 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 टाइम्स ऑफ, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला पार्ट ना करें आपको, क्योंकि इससे रेशियो हमको मिल चुका है, या ये भी कर सकते हैं 7 times of AP = 3 AB, और 7 times of AP, यहाँ 7 times of AP = और A और B के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो गिवन थे हमें, AB की जगह क्या लिख दिया हमने, AP + PB लिख दिया। क्लियर? अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 7AP = 3AP + 3PB। अब आगे हम सॉल्व करें, इसको इधर कर दिया, 7AP - 3AP = 3PB, 4AP = 3PB। क्लियर? तो AP/PB की जो वैल्यू हमने पहले डायरेक्ट बोल दिया था, लेकिन उसकी वैल्यू क्या मिली, 3/4, ठीक है। और लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी, पी के पॉइंट हमने मान लिया x, y है, देन तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स निकालने के लिए m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। देखिए m1 x2 + x2 m2 x1 / m1 + m2, m1 ratio m2 कितना मिल गया चिल्ड्रेन, 3/4, दैट मीन्स 3 × 2 + 4 × -2 / m1, 3+4, 6 - 8 / 7, और दैट मीन्स दिस इज -2/7, दिस इज x आ गया। y की भी निकालेंगे, देखिए y = m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, तो 3 × -4 + 4 × -2 / 3+4, इज दैट क्लियर, -12 - 8/7, दैट मीन्स -20/7। क्लियर? तो ये आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो हो गए आंसर में लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। लास्ट में मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको कायदे से लास्ट, वैसे भी 9th class में मैंने आप लोगों पे समझाया हुआ है कि लास्ट में आंसर ज़रूर मेंशन किया जाएगा। और देखिए ऐसे दो आंसर्स आ रहे थे, मैंने अलग अलग एक्स वाई लिखा, तो हमने साथ में लिख के इसको आंसर्स किया, -2/7 - -20/7। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए चिल्ड्रेन।
क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ए दिस एंड ए फोर इक्वल पॉइंट फोर इक्वल पार्ट्स में, तो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखिए एक लाइन सेगमेंट हमने बना लिया है चिल्ड्रन ए कॉमा बी, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना यानी कि ये ए है ये बी है, इसके बीच में एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट ये हो गया, वन टू थ्री एंड फोर, इसका नाम हो गया पी क्यू आर। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने थ्री इक्वल पार्ट्स किए थे, टू इक्वल पार्ट्स किए थे, तो उसमें हमने रेशियो लिए थे राइट, वैसे इसमें भी करना है। इसका वैल्यू दिया गया माइनस टू कॉमा टू और बी दिया गया है टू कॉमा एट दिया गया है। अब इंटरनली है ये और तीनों इक्वल पार्ट्स हैं राइट चिल्ड्रेन, तो ये अगर वन है पहले हम पी निकालेंगे, पी निकालेंगे तो क्यू आर को हम भूल जाएंगे राइट, तो वन टू थ्री तो ये थ्री हो जाएगा, फॉर पी के लिए वन रेशो थ्री हो जाएगा राइट, फॉर क्यू के लिए आप बताएंगे, देखिए फॉर क्यू मिडल में आ गया, टू इधर भी है, तो फॉर क्यू के लिए ये टू रेशो टू हो जाएगा एंड फॉर आर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आर के लिए वन टू थ्री और एक वन, तो क्या हो जाएगा, ये आर है आर को निकाल इन दोनों छुपा दिए, वन टू थ्री एंड वन, तो क्या हो जाएगा थ्री रेशो वन, इज दैट क्लियर, मतलब ये m1 रेशो m2 की हम वैल्यू बता रहे हैं तो क्लियर। और x1 y1 ये है ही आपके पास, x1 y1 भी है, x2 y2 भी है आपके पास। अब हम लोग निकालेंगे फॉर p के लिए एक बार करते हैं, तो फॉर p के लिए आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाया था, और फॉर p के लिए जो m1 रेशो m2 मिला चिल्ड्रेन वो मिल गया आपको वन रेशो थ्री, क्लियर। तो आपके हम एक्स वन इसकी वैल्यू एक्स कॉमा वाई क्यू इन सब के अलग अलग पॉइंट्स निकालेंगे चिल्ड्रेन, तो देखिए इसका पॉइंट जैसे एक्स वन वाई वन निकाल, इसको एक्स टू वाई टू लिखा हमने, तो पी के लिए भी हम लोग कोई पॉइंट बना लेते हैं, हम बता रहे हैं जैसे कि इसका पॉइंट का नाम ले लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन डैश, क्लियर डैश बना लिया, इसको लिख दिया एक्स टू कॉमा वाई टू डबल डैश, इसका ले लिया एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री ट्रिपल डैश, इस तरीके से हमने बना लिया। तो देखिए हम लाइन निकालेंगे एक्स वन डैश कॉमा वाई वन डैश, एक साथ निकाल दे रहे हैं एक साथ, देखिए एक्स वन डैश कॉमा वाई वन डैश इज इक्वल्स टू हो गया, यहाँ निकालेंगे एम, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं चिल्ड्रेन, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, और इसमें रहेगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, एग्जैक्टली। और देखिए एम वन एक्स टू, एम वन और एक्स टू की वैल्यू, मतलब एम वन आपको दिया गया है थ्री इन टू, एक्स टू की वैल्यू है आपके पास, आपको देखेंगे एक्स टू इज टू, ठीक है चिल्ड्रेन, तो वन इंटू टू देख रहे हैं, वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर, दैट मीन्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर इसको टू माइनस वन, और इसके अलावा ये इसका हो गया वाई वन का भी सेम हम करते जाएंगे, फॉर्मूला जब लगा ही दिया हमने वाई वन का भी करेंगे, इसको यहाँ मत लिखिए कॉमा करके यहाँ लिखेंगे इसको हम लोग, और ये माइनस वन इसका आ गया एक, अब एक और निकालेंगे, अब y1 का भी देख लीजिए, वन इंटू एट प्लस थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री यानी कि फोर, क्लियर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, वन इंटू एट प्लस टू इंटू थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई फोर, इसका मतलब ये हो गया एट प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर, क्लियर, एट प्लस सिक्स यानी कितना हो गया फोर्टीन डिवाइडेड बाई फोर, यानी कि क्या हो गया ये चिल्ड्रेन सेवन डिवाइडेड बाई टू, तो एक पॉइंट तो निकल आया पी का, फॉर पी का ये पी का पॉइंट आ गया है ना। अब हम लोग क्या निकालना है, क्यू का सेम निकालना है और इसी तरीके से आर का भी निकालना है, ठीक है। देखिए ये इसको चाहे टू रेशियो टू भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि ये सेम रेशियो बना रहा है, एकदम मिड पॉइंट पर आ रहा है, हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये लिख दिया टू रेशियो टू, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी चिल्ड्रेन देखिए एक्स वन सॉरी एक्स टू यानी टू इंटू टू, टू इंटू टू प्लस और यहाँ पे बनेगी टू इंटू माइनस टू, ओके देखिए टू इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, और वाई के लिए हमने फॉर्मूला फिर से नहीं लिखा है, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, तो टू इंटू टू प्लस एट इंटू टू, क्लियर।
डिवाइडेड बाय टू, तो इसकी वैल्यू तो चिल्ड्रेन ज़ीरो हो जाएगी, ये तो पूरा दिख ही रहा है साफ साफ कि ये ज़ीरो हो जा रहा है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टू ज़ा फोर एंड फोर टू ज़ा एट, तो ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर और फोर टू ज़ा एट, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई, हाँ तो डिवाइडेड बाय, हाँ एक चीज़ गलत होगी, टू प्लस टू लिखा जाएगा, यहाँ पे भी टू प्लस टू, तो ये हो जाएगी टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस सिक्सटीन, फोर प्लस सिक्सटीन इज ट्वेंटी, ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर, दैट मीन्स दिस इज फाइव, इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन। तो ये हो गया हमारा, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर आर के लिए, ठीक है, और फॉर आर थ्री, आर थ्री के लिए हमने जो एम वन रेशियो एम टू बताया था, आप लोगों को क्या बताया था, थ्री रेशियो वन, अब हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। देखिए आर थ्री के लिए, आर के लिए सॉरी, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा एम एक्स टू प्लस, इसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे, इसको भी हमने फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट करें थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन, इज़ दैट क्लियर, तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर, दैट मीन्स फोर डिवाइडेड बाई फोर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वन, क्लियर। तो ये हो गई आपकी एक्स थ्री की वैल्यू, यहाँ पे भी हम फिर से लिख दिया है एक्स थ्री, ये हो गया, और सेम एज वाई थ्री भी निकालेंगे, देखिए वाई थ्री भी निकाल दे रहे हैं हम यहीं पर ही, तो वाई थ्री की वैल्यू आएगी, आप यहाँ लिख सकते हैं, हमने यहीं पर सब लिखी थी, इसकी भी हम यहीं पर लिख दे रहे हैं वाई थ्री भी, तो थ्री इंटू एट प्लस वन इंटू टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन, ठीक है, तो थ्री एट द ट्वेंटी फोर प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर, दैट मीन्स ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर, दैट मीन्स दिस इज थर्टीन अपॉन टू, तो आर भी हमको मिल गया है चिल्ड्रेन, एक्स थ्री ट्रिपल डैश एंड वाई थ्री ट्रिपल डैश, तो ठीक है, तो सो आप सारे पॉइंट्स एक बार और बता दीजिए, पी पी की वैल्यू बता दीजिए, क्यू की भी बता दीजिए और आर की भी बता देंगे, दिस इज योर आंसर। पी की वैल्यू आपकी आई है माइनस वन कॉमा सेवन बाई टू, क्यू की वैल्यू आई है जीरो कॉमा फाइव एंड द आर इज वन कॉमा थर्टीन अपॉन टू, दिस इज योर आंसर, ऑल आर आंसर, ओके चिल्ड्रेन। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर टेन, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस इफ द वर्टिसेस ऑफ दिस 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 आर टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना, एरिया ऑफ द रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये हमें पता है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं इसका, देखिए एक हमने एक रॉम्बस बनाया है, एक रॉम्बस ऐसे ही बनता है, ये इसके डायगोनल्स हैं चिल्ड्रेन, ये ए बी सी एंड डी हमने ले लिया, ए की वैल्यू दे रहा है थ्री कॉमा जीरो, बी इज फोर कॉमा फाइव, सी इज माइनस वन कॉमा फोर एंड द डी इज माइनस टू कॉमा माइनस वन, क्लियर, ए बी सी डी दिया गया है, एरिया ऑफ द रॉम्बस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द हाफ, आप जानते हैं एरिया ऑफ रॉम्बस, इन्होंने हिंट लिखा लेकिन एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है चिल्ड्रेन, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमारे पास है फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम उनको लगाएंगे, डायगोनल की क्या वैल्यू, हाफ इंटू डायगोनल क्या है चिल्ड्रेन, ए सी एंड बी डी, राइट, ए सी ए सी इंटू बी डी, ए सी की वैल्यू भी आप स्क्वायर रूट में आएगी और बी डी भी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स है, तो ए सी की वैल्यू चिल्ड्रेन निकालने के लिए आप खुद बताइए हमको, देखिए ये एक्स वन वाई वन ले लिया, ये एक्स टू वाई टू अगर ले लिया है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स थ्री माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट, प्लस जीरो माइनस फोर का होल स्क्वायर, क्लियर, इनटू ये एक हो गया, अब दूसरा देखिए, दूसरा लिखने के लिए माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर और प्लस माइनस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर, क्लियर है इतना सभी को, आगे देखिए वन अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट, यहाँ पे बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस फोर का स्क्वायर, थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस फोर का होल स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, क्लियर चिल्ड्रेन। अब आगे देखिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व,
वन अपॉन टू इन टू, ये बन गया 3 + 1 4 का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा प्लस 16 इन टू, इसको भी हम 16 लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, ये बन गया 36 प्लस 36, फिर से अगेन वी विल राइट, ये हो गया 16 प्लस 16 और इनको किया तो 72, फिर से अगेन वी विल राइट, इसको लिख दिया हमने 16 प्लस 16 इज 32 इन टू रूट 72, रूट से इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू रूट 2, क्लियर। 2 1 2 2 4 और 6 2 12, और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है चिल्ड्रेन, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, देखिए 2 1 2 2 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2 और 6 2 12, दैट मीन्स दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट। देखिए मेरी बेटी कितनी डिस्टर्ब करने आ रही है आप लोगों को, ठीक है चिल्ड्रेन। तो ये हो गया इतना स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया ऑफ रॉम्बस आपका रॉम्बस इज दिस, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप लोगों को याद होगा कि हमने एरिया का फॉर्मूला कराया था, हमने इसलिए करा दिया ताकि आप एक्सरसाइज कुछ कर सकें, तो आप लोगों ने मुझे जहाँ तक उम्मीद है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करी होगी, ये अगर नहीं करी है तो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ओके चिल्ड्रेन। आइए एक्सरसाइज में आते, एक्सरसाइज 7.3 में आते हैं हम लोग। देखिए चिल्ड्रेन, ये आपके पास एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, तो इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, याद होगा एक्स वन y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, x3 के बाद क्या था y1 माइनस y2, क्लियर। ये आपके पास क्वेश्चन है, और दिस इज, इसको मान लेंगे x1 कॉमा y1, इसको मान लेंगे x2 कॉमा y2, और इसको मान लेंगे x3 कॉमा y3, क्लियर। 1/2 x1 की वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 इज 0 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 4, प्लस x2 इज माइनस 1, y3 इज माइनस 4 माइनस 3, और x3 इज 2, y1 की वैल्यू है 3 माइनस माइनस 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन। तो देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा आंसर, और इसको करेंगे 1/2, इसको किया 2 इंटू, वो इसको करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा ये, और ये प्लस 4 ऐसे ब्रैकेट में रखिए, प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 7, और प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 2 एक ही बात है, हम पहले को लिख रहे हैं 1/2, 4 2 8, 7 1 7 प्लस 7 हो जाएगा, 3 2 6, दे ऑल आर इक्वल्स टू 21/2, दिस इज योर आंसर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और हम बता दे रहे हैं इसका बाद वाला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इफ द पॉइंट्स आर लीनियर को लीनियर पॉइंट्स हैं ये, इसका भी हम फर्स्ट पार्ट बता दे रहे हैं 7, -2, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, तो को लीनियर का केस होता है 7, -2, 5, 1 एंड द नेक्स्ट इज 3, k, तो हमने कहा था जब को लीनियर का केस आएगा तो आप सबको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, इज दैट क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, सेम पहले फॉर्मूला आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। देखिए चिल्ड्रेन, और जो ये क्या को लीनियर है, तो को लीनियर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस इज इक्वल्स टू 0 होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1/2, और x1, x1 की वैल्यू कितनी है चिल्ड्रेन, ये फिर से x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, और ये हो गया x3 कॉमा y3, क्लियर। 1/2 7, 1 माइनस k प्लस 5, k माइनस माइनस 2, माइनस 2, और प्लस 3 इंटू माइनस 2,
माइनस वन, देख रहे हैं सभी बच्चे, तो ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो वन अपॉन टू पूरा चला गया, जीरो हो गया, ख़त्म कहानी वन अपॉन टू की। तो सेवन इंटू वन माइनस के प्लस फाइव इंटू के प्लस टू और प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर चिल्ड्रेन? अब आगे देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सेवन वन जै सेवन माइनस सेवन के प्लस फाइव के प्लस टेन माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों करेंगे तो आएगा माइनस टू के। क्लियर? और सेवन प्लस टेन होता है सेवन, सेवनटीन माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सेवनटीन में से नाइन माइनस करते हैं तो आपको मिलता है एट। तो ये आ जाएगा माइनस टू के इज इक्वल्स टू प्लस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस टू के इज इक्वल्स टू माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई फोर। क्लियर? के इज इक्वल्स टू फोर, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से आपको इसका सेकेंड पार्ट भी करना है, और इसका भी सेकेंड पार्ट, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द मेन पॉइंट, इनको भी करिए, इसको भी, इसको भी। जो नहीं आएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।